पूर्वोत्तर रेलवे के राजभाषा विभाग के तत्वाधान में मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्रीकांत सिंह की अध्यक्षता में बहुविषयक पद्धति प्रशिक्षण केंद्र पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में 14 सितंबर को मधुमेह एवं हाइपरटेंशन कारण व बचाव विषय पर तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य राजभाषा अधिकारी श्रीकांत सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालयों में राजभाषा सप्ताह राजभाषा पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी विषय पर आज की यह तकनीकी संगोष्ठी रखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की 2/3 जनसंख्या मधुमेह हाइपरटेंशन एवं आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से ग्रसित है। हमारे रेलकर्मी भी इससे वंचित नहीं हैं, इसलिए आज की यह संगोष्ठी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम तमाम भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, हमारे रहन सहन एवं खान पान की शैली भी पहले की तुलना में काफ़ी बदल गई है। आज समाज में विशेष रूप से बच्चों एवं युवा वर्ग में फास्ट फूड का चलन काफ़ी तेज़ी से प्रचलन में आ रहा है। बहुत सी बीमारियों का यह प्रमुख कारण है। आज हम अपनी निजी समस्याओं में इतना उलझे हुए हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा इस अवसर पर गृह मंत्री एवं रेल मंत्री द्वारा जारी हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया गया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एन के यादव, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने मधुमेह एवं हाइपरटेंशन के कारण एवं बचाव पर गहन जानकारी दी। उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एपी पांडे ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि राजभाषा विभाग राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत 13 सितंबर से लगातार महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। डॉक्टर आभा कलवार, सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने इस भयानक बीमारी से बचाव पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन ध्रुव कुमार श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी मुख्यालय ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद अरशद मिर्जा, राजभाषा अधिकारी ने किया।